कैफ़े के बारे में आपने सुना तो होगा, बोहो द स्काई कैफ़े गड़िया का वन एंड ओनली रूफटॉप कैफ़े है। तो हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया है। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मी, मैं हूँ ज़ोया। और हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग पार्क सर्कस से अभी गड़िया के लिए निकल चुके हैं, तो इसीलिए आज का सफ़र हम लोग स्कूटी में करने वाले हैं। और ये बिल्डिंग आप पार्क रखे ग्रीन येलो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप में, इसी बिल्डिंग में हमारा था बोहो स्काई कैफ़े है एकदम ऊपर रूफ टॉप में। और ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे और भी चीज़ें, नूडल वूडल है, बर्फ़ बैंकवेट है, और बाबू मोशाई बोल के एक बार कम लाउंज है। तो गाइस, अगर इस जगह में आप पहले कभी नहीं आए हैं तो यहाँ पर फोर व्हीलर पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो गाइस, 6 बजे के आसपास हमने इंटर किया था एंड हमें बाहर जगह ही नहीं मिला बैठने के लिए, तो हम यहाँ पे अंदर एसी वाले सेक्शन में आके बैठे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मेरे वर्क से काम किया गया है, ये वाला सेक्शन सिर्फ एसी का है, यहाँ पे आप आराम से बैठो अगर दिन में आते हो तो। एंड यहाँ पर ये लैम्प एंड ये लाइट्स एंड यहाँ के जो एम्बियंस है ये काफ़ी प्यारा है, ये सच में एक बोहो जैसा महसूस कराता है, आपको फ़ील होगा थोड़ी देर के लिए कि काफ़ी अच्छा सा एक फील देता है। एंड यहाँ पे ये मेनू कार्ड है फूड हुक्का एंड मॉकटेल का। एंड ये मेरे बगल से आप देख सकते हैं मेट्रो गुजरते हुए, तो मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट टिप्स दूंगी कि आप सिर्फ मेट्रो का ही रूट पकड़िए, तो आपको ये कैफ़े ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेट्रो बेस्ट एंड बेस्ट वे है, सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क भी है इसका जस्ट अपोजिट में ही ये कैफ़े है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है एंड काफ़ी सारे स्टाफ है, तो सर्विस बिल्कुल भी डिले नहीं है। गाइज, ये आप देख सकते हैं विदाउट एसी वाला सेक्शन है, यहाँ पे रूफ टॉप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठ के आप अपने स्नैक्स एंड हुक्का इंजॉय कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, अब हम लोग आ जाते हैं फूड पे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बफेलो विंग्स ऑर्डर कर लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है कुछ ही दिन में इस कैफ़े में। तो यार, यहाँ के जो सर्विंग है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है क्योंकि यहाँ दूसरा चीज़, यहाँ पे मैंने एक मैंगो स्मूदी ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे सारे स्मूदी और मॉकटेल्स ऑलमोस्ट आपको 125 रुपीस से ही स्टार्ट है, दिस इज़ वाओ। तो ये स्मूदी में भी बिल्कुल आपको मैंगो फ्लेवर मिलेगा, तो यहाँ पे काफ़ी मुझे लगता है फ्रेश मैंगो यूज़ किया गया है। थर्ड, मैंने यहाँ पे बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है एंड ये इस कैफ़े की जान है क्योंकि ये पिज़्ज़ा इतना टेस्टी है एंड यहाँ पे पूरे भर की चिकन दिए गए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस चिकन में पूरा बारबेक्यू का फ्लेवर भी आपको महसूस होगा, तो ये मेरे लिए 10 out of 10 है। एंड ये थर्ड, मैं यहाँ पे बट विंग्स एंड जो सॉस है वो अलग अलग बहुत टेस्टी है। तो गाइज, ये बर्गर जो आप देख रहे हैं इसको मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे कुछ भी नहीं टेस्ट आया इसमें, ना सॉल्ट ना स्पाइस, तो ये बर्गर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पसंद आया, तो ये बर्गर के लिए बिल्कुल एक बिग नो है मेरी तरफ से। बट फ्रेंच फ्राइज अच्छे थे। एंड ये आप देख सकते हैं चिकन शीश कबाब है, नीचे में यहाँ पे एक चाकुल भी दिया गया है ताकि ये चाकुल कॉन्स्टेंट एक फ्लेवर मेंटेन रखे इस चिकन में, तो ये शीश कबाब बहुत टेस्टी है।
तो गाइज ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि विराटी से इधर आए हैं बहुत दूर से, तो उन्हें करीबन 2 घंटा लग गया क्योंकि उन्हें पहले ट्रेन से दमदम उसके बाद मेट्रो लेना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा रश था एंड रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। तो अब हम जानेंगे कि इन्हें फूड कैसा लगा। तो पिज़्ज़ा के लिए बिग थम्स अप, गुड। और मेरी मम्मी तो फ्रेंच फ्राइज में ही अटकी हुई है। तो गाइज चलिए आइए मैं आपको अब फाइनल रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मेरे पर्सनल ओपिनियन है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप 4-व्हीलर के लिए बिग नो है क्योंकि मुझे यहाँ का पार्किंग स्पेस ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मेट्रो के लिए सही रास्ता है एंड 2-व्हीलर्स वगैरह सही है बिकॉज आप कैब में भी आएंगे तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज अगर पार्क सर्कल से आते हैं तो ये टाइम लेगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे आप अगर सोच के आ रहे हैं कि आपको रूफ टॉप व्यू मिलेगा तो आपको एकदम बढ़िया सा कोलकाता का व्यू मिलेगा देखने के लिए, तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक मेट्रो ज़रूर दिखने को मिल जाएंगे लेकिन बाकी के साइड आपको सन्नाटा ही दिखेगा। तो रूफ टॉप जैसा बिल्कुल व्यू यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई फ्लोर पर नहीं है इसीलिए। एंड थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे हुक्का जो है वहाँ पे पोलो कोल अभी भी यूज़ होता है जबकि अभी हर जगह कोकोनट कोल यूज़ होता है जो कि बड़ा हेल्दी होता है पोलो कोल से। एंड यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि यहाँ पे मेन कोर्स बिल्कुल नहीं है, जैसे कि राइस एंड नूडल्स हो गया, तो आपको स्नैक्स ही लेने होंगे एंड स्नैक्स ही पेट भरने होंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं इस कैफ़े को 10 out of 6 दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो अगर एक स्लॉट में बहुत ज़्यादा रश होगा तो आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के ये कैफ़े आप बिल्कुल 1 time विज़िट के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि हम जैसे इंसान के लिए जो थोड़े दूर रहते हैं उन ट्रैवल करने के लिए, उनके लिए 1 time विज़िट इज़ गुड बिकॉज मुझे ये कैफ़े का एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक नेचर का टच है, यहाँ पे एक लैम्प एक डिम लाइट से एक बहुत अच्छा सा इवनिंग क्रिएट किया गया हुआ है, तो एक क्रिएटिविटी है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे फूड भी बहुत रिजनेबल है। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।